गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सुबह के हो रहे हैं 11। अभी जो है मैं नहाया नहीं हूँ, चेहरे से दिख रहा होगा, बालों से एडिटिंग कर रहा था। एडिटिंग मेरी कंप्लीट हो गई थी 10 बजे और उसका उसको मैंने अपलोड कर दिया था। वीडियो को 11:30 बजे पब्लिश हो जाएगी, मतलब कुछ अराउंड 20-25 मिनट बाद वीडियो जो है लाइव हो जाएगी चैनल पे। और आज का प्लान कुछ ऐसा है कि मेरे पास 3 वीडियो पेंडिंग है जो एडिट करनी है मुझे, तो आज मैं सारी वीडियोज़ एडिट करके कंप्लीट कर दूंगा टास्क। अगले 4 दिन तक की मेरी वीडियो डल जाएंगी सारी, फिर मैं कुछ भी पेंडिंग नहीं चलेगा। और एक दो वीडियो और एक्स्ट्रा मुझे खींचनी है जो 28 से 31 में कवरिंग हो जाए। अभी सुबह सुबह के टाइम अपना जो है बाहर काम चल रहा है। कल जो इलेक्ट्रिशियन का काम हुआ था उसमें 2-3 चीज़ें कमी रह गई थी तो वो ठीक करवा रहा हूँ। एक्चुअली जो बड़ी वाली बालकनी है उसके अंदर उन्होंने जो LED का कनेक्शन जो है वो उस पर बड़ी लाइट्स पर दे दिया था और उस बड़ी लाइट्स का कनेक्शन काटा नहीं था। मतलब अगर मैं LED जलाऊंगा तो वो बड़ी लाइट्स भी साथ जलेंगी, तो वो बड़ी लाइट्स साथ जलेंगी तो वो लड़ियाँ दिखती नहीं है। तो दैट्स व्हाई भैया को दोबारा बुलाया, तो उसमें वो करवा रहा हूँ काम उनसे। यहाँ चिकू की क्लास चल रही है और ये देखो, और ये हमारा चिकू कलरिंग कर रहा है। वेरी गुड चिकू, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत प्यारा, बहुत प्राउड फील होता है इसके ऊपर, बड़ा अच्छा काम करता है। तो अभी भैया को मैंने जुगाड़ बताया, इन्होंने ऊपर कनेक्शन दे रखे थे, इनको मैंने समझाया कि वहाँ से कनेक्शन जॉइंट करके यहाँ पर इसमें दे दो कनेक्शन, ये एक्सटेंशन लगा हुआ है। और ये टकला हमारा फ़ोन में लगा हुआ है। टकले ओ टकले, टकले हेलो बोलो। कितने प्यार से करता है हेलो। चल ठीक है, अभी नहा धो के रेडी हो चुके हैं, पूजा हो चुकी है, ब्रेकफास्ट में ब्रेकफास्ट बोल लिया है, ब्रंच बोल लो, लंच बोल लो। इसको पता लिया मैं कैमरे में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसलिए आवाज़ स्टार्ट हो गई। तो चाहे आप लंच बोल लो चाहे ब्रेकफास्ट बोल लो, एक्चुअली क्या है आजकल ना चीकू की क्लास जो है 10:30 से 11:30 हो गई है, उससे बहुत फर्क पड़ता है हमें कि ब्रेकफास्ट टाइम पे बन नहीं पा रहा है। कभी जब हल्की फुल्की चीज़ बनानी हो लाइक जैसे पोहा है 2 मिनट में बन जाता है, 10 मिनट में बन जाता है ना पोहा, तो वो तो हम जल्दी बना सकते हैं। इडली है, इडली मुझे बनानी आती है तो मैं वो कर लेता हूँ पहले, बट बाकी में दिक्कत होती है। तो अभी पराठे बने और बाहर से एक सब्ज़ी ऑर्डर कर रखी है, खाएंगे भी और उसके बाद मैं निकलूँगा नीचे। मैं क्या सभी जाएंगे थोड़ी देर, उसके बाद फिर हम सारे जाएंगे सोनीपत। अभी प्लानिंग कुछ ऐसी है कि सोनीपत प्रीति को सामान लेना है, तो ये प्रीति करवा चौथ दिवाली का सामान ले लेगी मार्केट से, और उसके बाद हम वहीं पर भटूरे खा के आराम से वापसी आएंगे। और उसके बाद मैं आज अपनी एडिटिंग करने बैठूंगा, सारी जो पेंडिंग चल रही है सबकी सब आज एक ही बारी में फिनिश कर देनी है। कल रात को जैसे मैंने आपको बताया था ये शरद पूर्णिमा थी और प्रीति खीर बना के रात को चांद के आगे रखेगी, वो खीर ये रही जो पूरी रात बालकनी में बाहर रही है ठंड में, और सुबह इसका भोग लगाया है। और अब हम मतलब बच्चे और प्रीति तो खा चुके, अब मेरी बारी है, तो टेस्ट करते कैसी है कैसी नहीं इसको। वैसे यहाँ पर ये देखो कितना फैल रखा है रूम अभी, क्योंकि साफ़ सफाई हुई नहीं है और ये आधी फैला के गया है यहाँ पर, और अभी उसने अंदर रूम भी फैला दिया है पूरा, जैसा कि अभी आप पीछे वाली वीडियो में आप देख चुके हो। इसका देखते हैं कैसा है टेस्ट कैसा नहीं। ओके, पर कुछ जलने जैसा उस क्यों है, इसमें लगी है ना ये कहीं लग गई थी ना, ये हमेशा मल्टीटास्क करती है और उसी चक्कर में इसकी चीज़ें ख़राब होती हैं। वैसे ठीक है पर हल्का सा जलने का मुंह में टेस्ट आ रहा है, इसके साथ यही प्रॉब्लम है, ये मल्टीटास्क करती है, 2-3 काम एक साथ करती है और उसमें से एक काम इसका जरूर ख़राब हो जाता है जल्दबाजी के चक्कर में। और देखो वहाँ से मुँह बना के देखे तो देख रही है। हाँ वैसे सोच ठीक है, तो चलिए जल्दी से खा लेता हूँ खीर और उसके बाद आगे टास्क पूरे करते हैं। दिन के 2:15 हो गए और हम सब के सब रेडी हैं, ये देखो अब तक क्यूट लग रहा है मेरा बेबी, और ये देखो ये मोटा इंसान कितना क्यूट लग रहा है। कौन सा मोटा, ये तो मोटा नहीं है तुम ही हो, ये मेरा छोटा बच्चा कितना क्यूट लग रहा है, और ये मुझे देखो मैं कितना क्यूट नहीं लग रहा हूँ। चलो ठीक है मिलेगी गाड़ी में, अब तेज बोल रहा, अब धीरे क्यों बोल रहा है अभी, कॉल तो लग के। ये हाईवे पे हम चल रहे हैं तो ये ट्रक्स जितने निकल रहे हैं तो बाबा ट्रक्स को देख के बोल रहा है एक अकोल, एक और नहीं बोल रहा अकोल तलक से है। और अभी ये हमारा प्यारा सा हाईवे, अब यहाँ से हम सोनीपत मार्केट जा रहे हैं मेनली,
और वहाँ से कुछ परचेजिंग करना है, जैसे कि मैं कल भी बता चुका हूँ आज भी बता चुका हूँ, बस अब मिलते हैं डायरेक्ट आपको मार्केट में। कहाँ है टॉयज की शॉप? ये देखो कैसे देख रहा है, उसकी शॉपिंग देख लो, खत्म ना होने आराम दे रही। क्यूट कैंप करके वहाँ लगा हुआ है। क्या लिया तूने? दिखाइयो गाइस को, दिखा। चीकू को कौन सा देगा तू? कैप्टन मॉम देगा। कौन कौन सा देगा तू चीकू को? और कैप्टन अमेरिका और क्या देगा? ना फिर मैं वापसी कर दूंगा तो शॉप पे ही है। इसमें दो भाई के हैं बाकी तेरे हैं, भाई को कौन सा दो देगा बता बता। कैप्टन अमेरिका और ये दे दियो थानोस, ठीक है? तेरे पास स्पाइडरमैन हल्क और वो हो जाएगा आयरन मैन, ओके? अगर जिद करेगा तो मैं गेम वापसी देके आ जाऊंगा। हैं कौन सा दूसरा भाई? चीकू क्या करें? नहीं खाया पूरा मुंह भरा हुआ है। चल तो अभी हमने चीकू क्या क्या लिया? एक टॉय ले लिया और एक तो एवेंजर का टॉयज लिया, आदि ने अपनी स्लीपर ली, प्रीति ने अपने झुमके लिए, अब वो अपनी चुन्नी लेने गई है और हमने खाए गोलगप्पे। मजा आया? और दिखाना वो क्या लिया है। ये नमकीन लिए, इतनी सारी नमकीन। क्या खाना है आदि? गोलगप्पे खाने हैं। ठीक है अभी खिलाते हैं आपको। अरे चुपके से बोले थे एवेंजर टॉय। खेल लो दोनों, खेल ले। पर अभी यहाँ पर फैलाओगे ना तो बेटा गाड़ी में छोड़ मत देना कुछ भी, ठीक है? ये इन्होंने टॉयज लिए एवेंजर वाले, मजे हैं भाई इनके, मजे हैं फुल, तू मजे हो रहे हैं। उनका पैर हिलता है। हाँ दे बैग मुझे दे दे। हैंड भी हिलता है। सर भी। क्या बात है। ये बात ठीक है। खुश क्योंकि एक्सीडेंट हो रखा है गाड़ी का, देखो बस का, और बहुत जबरदस्त हो रखा है एक्सीडेंट तो भाई। ये क्या कर रहा है? डाटा को देख रहा है उससे। तो अभी अराउंड 6:30 बज रहे हैं और घर हम आगे थे कुछ 4 बजे के आसपास, और मैं जब से आया हूँ तब से हाउस ऑफ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ देख रहा था नेटफ्लिक्स की, जो कि बनी है बुराड़ी सुसाइड केस के ऊपर, जो वो एक ही फैमिली के 11 मेंबर्स ने सुसाइड किया था। घुमा दिया सर यार, भयंकर घुमा दिया। क्या हुआ उनके साथ यार, बड़ा ही अफसोस हो रहा है। बच्चे भी थे 15 साल के। बाकी अभी यार ये जो लाइट है इसके मैंने सेल्स चेंज किए थे सुबह, और अब ये सिंगल पॉइंट पे इतनी तेज़ रोशनी मुंह पे फेंक रही है ना, देखा नहीं जा रहा है इसकी तरफ प्रॉपर, बट कोई नहीं ठीक है जैसा भी है। बाकी और ये वाली जो लाइट थी जो कल नहीं जल रही थी ये ठीक कर दी, अब ये जल रही है बढ़िया करके, क्योंकि कल इसका कनेक्शन जो है ऊपर वाली लाइट्स में था तो वो भी वाइट लाइट है, अगर वो साथ में जल रही हैं तो ये दिख नहीं रही थी, और उनके जलने से फिर वो जो कीड़े होते हैं जो लाइट पे चमक आके चिपक जाते हैं वो दिक्कत दे रहे थे, तो कल मैंने नहीं जलाई थी। आज इसका कनेक्शन मैंने यहाँ से करवा दिया इस सारे एरिया में, तो यहाँ पर कनेक्शन हो गया तो इससे ये एकदम मस्त चल गई है। बाकी अब की अपडेट ये है कि अब मैं बैठ रहा हूँ एडिटिंग करने बाकी की अपनी 2 वीडियो को और, ताकि अगले 2 दिन का मेरा डाटा चले जाए यूट्यूब पे और वो सुबह 9 बजे पब्लिश हो जाए, लाइव हो जाए वीडियो। तो ठीक है एडिटिंग करने बैठते हैं, बाकी इसको एक सरप्राइज़ देता हूँ। हाँ भाई यहाँ पर गंदगी कहाँ गई? ये आदि की पेंटी थी ना, मैंने पानी गिरा से साफ कर दिया। आनी थी थोड़ा सा गंदा हो रहा था, कह रही यार पोछा लगाऊंगी पूरे घर में। मैं ये टाइम में पोछा लगाने का, वैसे ही ठंड हो गई है और गीलापन और पैर में फिर ठंडक आएगी और फिर तबीयत खराब होगी, तो मैंने नहीं लगा दिया पोछा।
सभी रात के 7:45 बज गए हैं, एक वीडियो एडिट हो चुकी है जो कि एक्सपोर्ट हो रही है और थोड़ी देर में इसको अपलोडिंग पे लगा दूंगा। ये सुबह 9 बजे आपको लाइव हो जाएगी, आपको देखने को मिल जाएगी। तो अभी सोच रहा हूँ कि सेकंड वीडियो भी अभी एडिट कर लेता हूँ जो कि परसों सुबह के लिए हो जाएगी, तो मेरा काम बन जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। और आज की जो वीडियो वो मैं कल एडिट कर लूँगा, तो ईजी रहेगा सारा काम करने में। सभी बज गए रात के 10 और मैं देख रहा था फ्री गाय हॉटस्टार डिजिटी प्लस पे, और यार कसम से ऑसम मूवी है, मतलब एक बार नहीं इसको 10 बार भी देख सकते हैं, इतनी प्यारी मूवी है। वीडियो गेम की लाइफ के ऊपर है और कैसे लोगों ने सोचा और कैसे मूवी बना दी, कसम से यार अनएक्सपेक्टेड थी यार ये, बहुत ऑसम मूवी। और अभी जो है ना बच्चों ने खाना खा लिया है, आधी मेरा सो गया बच्चा और चीकू मोबाइल देख रहा है। एक्चुअली हुआ क्या, चीकू और आदि जो है फाइटिंग गेम खेल रहे थे, जो मस्ती है डेली करते हैं, चाहे उसको फाइटिंग गेम बोल लो चाहे मस्ती बोल लो, तो गलती से चीकू से आदि के होठ पे लग गई और उसका होठ फट गया है, बट बहुत ज़्यादा इंजरी नहीं है, तो इसलिए मैं उसको नॉर्मली चीनी भी नहीं खिलाई और उसको थोड़ा बहुत कुछ खाना ना खिलाया हल्का फुल्का ताकि वो सो सके। अब सो गया, सुबह तक काफ़ी रिलीफ हो जाएगा, उसको दर्द नहीं था, वो बिल्कुल अपने पापा की तरह स्ट्रांग है जैसे कि मैं था बचपन में। मतलब अभी भी मेरा, मैं जल्दी से डॉक्टर पे नहीं जाता हूँ, और जैसे अगर यही चोट चीकू को लगी होती ना तो चीकू तो हंगामा मचा देता घर के अंदर, और आदि शायद हमसे फिट भी गया होता थोड़ा बहुत, बट नहीं मैं आदि को ऐसा नहीं है ऐसा कुछ भी। चीकू को भी हमने कुछ डांटा नहीं, कुछ नहीं किया, प्यार से समझाया कि ये गेम खेलना गलत होता है, ऐसे गेम आज के बाद मत खेलना, और चीकू ने एक्सेप्ट किया ठीक है मैं आज के बाद ये गेम नहीं खेलूंगा और मेरी गलती से लगी है आदि को, तो अब सो गया ठीक है। अब बस प्रीति और मेरे को डिनर करना है, मेरी मूवी अभी एंड नहीं हुई है, सिर्फ 10 मिनट की रह गई है, तो वो भी देखूंगा खाना खाते खाते। और यार कसम से यार मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, नहीं देखी मूवी तो देखना जरूर, बहुत ही ऑसम मूवी यार, बहुत ही ज़्यादा ऑसम मूवी है, बांध रखा है अभी तक मुझे। मतलब मैं इस टाइम पे ब्लॉगिंग देख रहा होता हूँ लोगों की, मोटो ब्लॉगिंग देख रहा होता हूँ, मैं कुछ नहीं देख रहा इस टाइम, वो मूवी देखने में लगा हुआ हूँ, क्या बताऊँ। तो ठीक है, इस वीडियो को अब यही एंड करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके जरूर बताना अच्छा लगा या नहीं लगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय।